उमरिया जिले में जनपद पंचायत पाली के बदारा मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह योजना कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें 74 जोड़े दाम्पत्य जीवन में बंधे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आदिम जाति कल्याण विभाग मंत्री मीना सिंह पहुंची, जहां मंत्री मीना ने उपहार स्वरूप दिए जाने वाले पलंग को देखकर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि सभी जोड़ों को त्वरित गुणवत्तापूर्ण पलंग देने को कहा। उन्होंने गुणवत्ता विहीन पलंग को देखते हुए कहा कि उक्त पलंग महज 500 रुपये से भी कम का है। ऐसी गुणवत्ता विहीन सामग्री नए जोड़ों को बिल्कुल ना दें, बल्कि अच्छा पलंग खरीद कर नव दंपतियों को सप्रेम भेंट करें। आठ पलंग अभी आए हैं जी, जो अपन को वितरित करने थे, और ये सैंपल हमने पहले ही दिखाया था, समिति ने पास किया था। एक जोड़े को दो पलंग का सेट देना था, जिसमें पहले दो लोहे जो जिसमें जो सैंपल पास है, ये हमारा जिला पंचायत में आज की तारीख में भी सैंपल सबमिट, और यही दो बोले गए। तो उस टाइम हमने भी बोला था कि अगर एक बोले तो एक करें, तो उन्होंने बोला था नहीं, और दो ही पलंग देने हैं एक जोड़े को। किसने किसने कहा था? वो पहले जो समिति बनी, समिति ने बोला था दो ही पलंग देने पड़ेंगे आपको, अगर अपन अभी एक पलंग देते तो भी दिक्कत हो जाती। आज विकासखंड पाली और नगर पालिका पाली की तरफ से 74 जोड़ों की शादी माननीय मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत संपन्न हुई है। तो इस पावन अवसर पर वर वधुओं को मैं अपनी ओर से और आप सबकी ओर से उनको शादी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना प्रेषित करना चाहती हूँ। और जैसा कि आपने देखा कि उनको सारे सामान भी दिए गए हैं, चाहे वो ज्वेलरी का हो, चाहे घर गृहस्थी का काम हो। और पलंग थोड़ा ठीक नहीं था तो पलंग कैंसिल करके और दोबारा उनको पलंग दिए जाएंगे, क्योंकि 3,000 की राशि पलंग के लिए स्वीकृत की गई है। तो हम चाहते हैं कि वर वधुओं को पलंग भी अच्छा मिले, जब सारा चीज़ अच्छा दे रहा है तो पलंग भी अच्छा मिलना चाहिए।